जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम। टीजे की तरफ से, तैमूर जावर की तरफ से। दोस्तों, आज मैंने कॉल रिसीव की अपनी एक दोस्त की, जिसने मुझे बताया कि टीजे मैंने एक कार खरीदी है, एक गाड़ी खरीदी है। तो मैंने उसे कहा कि गाड़ी कौन सी खरीदी है। तो जब उसने मुझे बताया तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी इट। तो अब ये है कि ताहा भाई, गाड़ी का रिव्यू दिखाएंगे, रिव्यू दिखाएंगे, इस तरह के शॉर्ट्स हम लेते हैं, किस तरह इस वीडियो को हम, और एक सरप्राइज मिलेगा आप लोग इंशाल्लाह। और हमारे साथ रहिएगा। और अभी तक किसी भी हमारे दोस्त ने, किसी भी व्यूअर ने, किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे पेज को लाइक नहीं किया, तो मेहरबानी करके उसको सब्सक्राइब भी कर दें, यूट्यूब चैनल को और फेसबुक के पेज को भी लाइक कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको हफ्ते में वीकली देखने को मिले, जिससे आप इंटरटेन भी हों और आपकी नॉलेज में इजाफा भी हो। तो हमारे साथ रहिएगा। मैंने आपको जैसे बताया था कि मुझे कॉल रिसीव हुई मेरे दोस्त से, जिनका नाम है नासिर। नासिर ने मुझे कहा कि टीजे भाई, तैमूर भाई, मैंने गाड़ी परचेज की है और वो गाड़ी है ईवो 8। नासिर, इस गाड़ी के बारे में बताएं, क्योंकि आपके पास इस गाड़ी को तकरीबन आई थिंक एक हफ्ता हो चुका है, तो इस गाड़ी के बारे में थोड़ी डिटेल बताएं। ये गाड़ी मित्सुबिशी एवोल्यूशन 8 है, ठीक है, और ये क्या कहते हैं 2004 मॉडल में आती है। ओके, ये 2000 सीसी होती है टर्बोचार्ज, और ये ऑल टाइम फोर व्हील ड्राइव होती है। तो क्या कलर अपनी चॉइस कर लिया या? ये कलर मुझे वैसे पसंद है, ये पहले मेरे एक दोस्त के पास थी, फैसल के पास, तो उस वक्त उससे लेना चाहा था, उसने दी नहीं मुझे। फिर बाद में अभी बिकने आई तो बस मैं पीछे पड़ गया, था एक दोस्त है उससे ली। अच्छा, जबरदस्ती ली मैंने, कहा दो। अच्छा, क्या बात है। तो इसकी कितनी सीसी गाड़ी है? ये 2000 सीसी है। 2000 सीसी, जबरदस्त। तो इस पे अब तक कितना आरपीएम आप जो है वो मार चुके हैं, कितने मतलब स्पीड इस पे आप भगा चुके हैं? ये तो मैं 200 तक ले जा चुका हूँ, लेकिन ये है कि वैसे तो जबरदस्त, जबरदस्त, क्या बात है। अब इसका एक आउटलुक दिखाए, नहीं, और ऑप्शन मुझे एक ही गाड़ी है पाकिस्तान में, सनरूफ वाली। क्या बात है, क्या बात। और इसमें और, हाँ, और गाड़ियां थी बहुत, ये मुझे पसंद थी। तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन आपने क्या करवाई है? नहीं, मैंने कुछ नहीं, ये बोन स्टॉक है, ये सब कंपनी से ऐसी है, ये मैंने कुछ नहीं करा है, सिर्फ एक ये गेजेस लगे हुए, ये भी पहले से लगे हुए थे इसमें। अच्छा, ये आफ्टर आफ्टर मार्केट है। अच्छा, आफ्टर मार्केट, जबरदस्त। तो कैसा लगा इसकी ड्राइव आपको, मतलब क्या क्या प्लेजर है? हाँ, ये तो ड्रीम कार है। क्या बात है। और हाँ, माशाल्लाह, यू आर आल्सो बॉडी बिल्डर, तो बड़ा अच्छा सूट करता है, रेड कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है ना। तो जी, गाड़ी के अंदर भी आपको बैठ के इसकी थोड़ी सी चीजें बता, जी दोस्तों, गाड़ी में आ चुका हूँ मैं और नासिर गाड़ी में बैठे हुए हैं, और सीरियसली इट्स वंडरफुल, और मतलब बैठने का मजा ही कुछ और है, गाड़ी का एक प्लेजर ही अलग है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत है, आपको इस वीडियो में इसका इंटीरियर भी दिखाएंगे, इसके आरपीएम्स भी दिखाएंगे। और नासिर, इस गाड़ी के बारे में बताएं, गाड़ी को कैसे रखते हैं आप? गाड़ी को तो मैं बिल्कुल अपने आप की तरह रखता हूं। अच्छा, जबरदस्त। तो जी, आपको इसका इंटीरियर भी दिखाते हैं और थोड़ी सी बातें और भी करेंगे नासिर के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं आपको एंटरटेन करना और आपको नई नई चीज़ों के बारे में बताना। जैसे ही नासिर ने गाड़ी ली और मुझे बताया, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं, और अभी आपको बहुत सी इस गाड़ी के बारे में बहुत चीज़ें और बताएंगे, आपको हमारे साथ रहिए। जी दोस्तों, अब इसके इंटीरियर की तरफ आ गए हैं, और इंटीरियर वाकई स्पोर्ट्स गाड़ियों का इंटीरियर बहुत खूबसूरत होता है, और इसका सिंपल सा है, सिंपल सा है मगर खूबसूरत बनाया है। या फिर नासिर ने गाड़ी बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरी रखी हुई है, लेकिन मुझे पसंद आया आरपीएम, और इसके कंट्रोलर जो लगे हुए हैं वाकई कमाल है। इंपोर्टेड गाड़ियों की यही तो बात होती है कि इनके इंटीरियर, और इनके इंटीरियर इनका मतलब एक प्लेजर ही अलग होता है। देखिए आप इसकी गियर लीवर चेक करें खाली, क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे इसी तरह इसका बॉनट भी जो बहुत ज़्यादा, इसका जो इंजन रूम है वो बहुत पसंद आया, तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, इसका इंजन रूम भी दिखाता हूँ आपको कि इसका इंजन रूम कैसा है। जी हाँ दोस्तों, ये इसका बॉनट, और मुझे बड़ी अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है कि जो इंजन रूम के अंदर इंजन की जो पार्ट्स हैं उन पे जो मॉडिफिकेशन होती है, मतलब जो कलर करके उसको किया जाता है, एम्बोस किया जाता है, प्रोमिनेंट किया जाता है, उसका मज़ा ही कुछ अलग है। तो ये था आज ईवो का इंट्रो, और बाकी आगे आपको और चीज़ें बताते हैं कुछ। जी दोस्तों,
गाड़ी का प्रॉपर हमने आपको इंट्रो बताया इस गाड़ी के बारे में, कितने सीसी है, क्या है, और नासिर बड़े खुश हैं क्योंकि नासिर ने ये गाड़ी फाइनली परचेज कर ली, क्योंकि इनका था कि मैं कोई अच्छी गाड़ी लूँ, और इन्होंने मुझसे पूछा भी था एक बार कि टीजे इस रेंज में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, मगर उनका शौक था एवोल्यूशन की तरफ, तो उन्होंने क्यों भाई नासिर साहब। तो जी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। We'll be right back.